गणतंत्र दिवस के अवसर पर कासगंज में प्रभारी मंत्री सुरेश पासी उपस्थित रहे। उन्होंने कासगंज दंगे में जान गंवा चुके चंदन गुप्ता के पिता सुशील गुप्ता को स्मृति चिन्ह भेंट किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि चंदन के परिवार की मांग पर शस्त्र लाइसेंस दे दिए गए हैं और चंदन चौक बनाने की घोषणा की गई है। साथ ही चंदन गुप्ता की बहन को नौकरी दे दी गई है। हमारे साथ मौजूद है कासगंज के प्रभारी मंत्री सुरेश पासी जी। आइए जानते हैं आज उन्होंने चंदन गुप्ता के परिवार की जो मांगे मानी है वो क्या क्या है। सर, आज आपने जो मांगों की घोषणा करी है वो मुख्य रूप से क्या क्या है? देखिए, चंदन गुप्ता के परिवार के प्रति पूरे सरकार की सहानुभूति है। चंदन गुप्ता एक होनहार बालक था, हर सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेता था। अब ईश्वर की इच्छा नहीं थी, वो हमारे बीच नहीं है। जो परिवार की मांग थी और इस कस्बे की मांग थी कि चंदन के नाम से एक चंदन चौक बनाया जाए, मैंने अधिकारियों से बात किया, परिवार से बात हुई, उस पर सहमति हो गई है। इस नगर में एक चंदन चौक के नाम से चौराहा जाना जाएगा। सर, उनके परिवार की मांग है कि उनके बेटे को, जो छोटा बेटा है विवेक, उसको एक सरकारी नौकरी दी जाए, उसमें क्या कहेंगे? उनके परिवार की मांग थी कि परिवार को दो शस्त्र लाइसेंस, तो दोनों शस्त्र लाइसेंस उनके बड़े बेटे और चंदन गुप्ता के पिताजी को हो गया। परिवार में एक नौकरी की मांग थी जो कल चंदन गुप्ता की बहन को ज्वाइन करा दिया गया है। सर, जो नौकरी की बात करें तो उनके परिवार का कहना है कि एनजीओ के माध्यम से नौकरी है और ये मात्र 11 महीने की नौकरी है, संविदा की नौकरी है, उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए, तो क्या करना चाहिए? देखिए, पहले संविदा पर ही रखा जाता है, संविदा पर रखा गया है। आगे जो हम लोगों ने कदम उठाया है वो आगे उनके परिवार के लिए और लाभकारी होगा। प्रभारी मंत्री का कहना है कि जो भी उनकी मांगे हैं वो धीरे धीरे क्रियान्वयन में लाई जाएंगी और बहुत जल्दी उनकी पुत्री को सरकारी नौकरी दी जाएगी। कासगंज से टीवी न्यूज के लिए मैं प्रशांत शर्मा।